ઠંડીની સીઝન શરૂ થઈ રહી છે। આગાહી છે કે આ વખતે પણ હાર્ડ થીજવતી ઠંડી પડશે। ખાસ કરીને ગુજરાત સહિતના યુપી બિહાર અને દિલ્હીમાં તો વાતાવરણ ઠંડીવાળું રહેશે, પરંતુ જમ્મુ કાશ્મીર અને હિમાચલ પ્રદેશમાં ભારે હિમવર્ષા બાદ ઠંડીની સાથે ઠંડા પવન પણ ફૂંકાશે, જેનાથી સૌ કોઈને ઠંડી લાગશે। ત્યારે ભગવાન માટે પણ ખાસ આયોજન કરાયું છે। અયોધ્યાના ભવ્ય મહેલમાં ભગવાન શ્રી રામ રાજકુમાર તરીકે બિરાજમાન છે, એટલા માટે તેના કપડાં પણ રાજકુમાર જેવા બનાવવામાં આવશે। હવે ભગવાન શ્રી રામ પણ ઠંડી પડતા જ ગરમ વસ્ત્રોમાં સજ્જ થઈ જશે। અયોધ્યામાં આગામી 5મ એટલે કે 20 નવેમ્બરથી શ્રી રામલલાને રજાઈ ઓઢાડવામાં આવશે। સીઝન પ્રમાણે તેમની સેવાનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે। હવે ઠંડીની મોસમ શરૂ થઈ રહી છે, તેથી તેમના માટે હવામાનને અનુરૂપ કપડાં તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે। આ શિયાળામાં રામલલા લદ્દાખની પશ્મીના શાલ અને ઉત્તરાખંડના વુલન વસ્ત્રો પહેરશે, જે તેમની ગુણવત્તા માટે પ્રખ્યાત છે। પ્રખ્યાત ડિઝાઇનર મનીષ ત્રિપાઠીને રામલલાના કપડાં તૈયાર કરવાની જવાબદારી આપવામાં આવી છે। મનીષ ત્રિપાઠીએ TV9 સાથે વાત કરતા કહ્યું કે ભગવાન શ્રી રામના વસ્ત્રો દરરોજ બદલાય છે, આ ખાસ પ્રકારના કપડાં છે અને અલગ અલગ તહેવારો માટે અલગ અલગ ડ્રેસ પણ ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે। જેમ જેમ ઠંડી વધશે તેમ કપડાં તરીકે આવા વુલન ગરમ કપડાંનો ઉપયોગ થશે। શ્રી રામ લલા સરકાર જો હે વો 5 વર્ષ એક 5 વર્ષ કે બાલક હે, મર્યાદા પુરુષોત્તમ હે, राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके जो पोशाक हैं उसमें वो भव्यता और वो एक तरीके कह सकते ग्रैंडनेस है वो होनी चाहिए, क्योंकि युवराज हैं। साथ ही साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं, तो उनकी पोशाक में वो जो एक शालीनता है, जो एक एक जो एक ग्रेविटी है, जो कह सकते हैं एक जो एक एक सिंप्लिसिटी है, वो भी होनी बहुत ज़रूरी है, तो उसका भी हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। बच्चे हैं तो अगर हम और आप ठंड में दो लेयर पहनते हैं तो भगवान 3 लेयर पहनेंगे, क्योंकि वो बालक हैं। तो इन सभी चीज़ों का पूरा विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अयोध्या में भव्य मंदिर में श्री राम राजकुमार के तौर पर विद्यमान हैं और उनके राजसी ठाट बाट का पूरा ख्याल रखा जाता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है उनका खाना पीना बदल जाता है, उनके कपड़े भी बदल जाते हैं। और अब अगहन की पंचमी यानी 20 नवंबर के आसपास प्रभु श्री राम की जो ड्रेसेस हैं वो अब गर्म कपड़े हो जाएंगे, यानी कि प्रभु श्री राम अब रजाई ओढ़ेंगे, पश्मीना शॉल धारण करेंगे। पूरी जो तैयारी है वो इस वक्त की जा रही है। मनीष त्रिपाठी जो कि खास तौर पर श्री राम प्रभु की ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं, पूरी तरीके से तैयारी में लगे हैं। आप देखेंगे कि जो ड्रेसेस की डिज़ाइन है उनको भी यहाँ किया जा रहा है, जो डिज़ाइनिंग कपड़े हैं डिज़ाइनर कपड़े हैं उनकी पूरी डिज़ाइन की जा रही है। ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं ये प्रभु श्री राम के जो अंग वस्त्र हैं वो इसी सोने के कपड़े से बनेगा। ये जो कपड़ा है ये सोने का बना हुआ है, और ये जो तार आप देख रहे हैं ये भी सोने का तार है। सोने के तारों से ही इस सोने के कपड़े की सिलाई की जाएगी, और खास तौर से खास अवसर खास पर्व के लिए जो है वो श्री राम प्रभु की ड्रेस को डिजाइन किया जाएगा। मनीष त्रिपाठी बाकायदा ये जो ड्रेसेस की जो डिजाइन है उनको तैयार करें। ये जो आप डिजाइन देखेंगे यही डिजाइन के जो अंग वस्त्र हैं वो प्रभु श्री राम पहनेंगे, और ये जो डिजाइन हो रहे हैं वो खास तौर से सर्दी के कपड़ों के लिए डिजाइनों को तैयार किया जा रहा है। प्रभु श्री राम उनको अब नहलाया भी गुनगुने पानी से जाएगा, जो उनके खाने के व्यंजन हैं वो भी अब ठंडे की बजाय गर्म होंगे, और जो कपड़े हैं वो खास तौर से अब गर्म कपड़े पहनाए जाएंगे, पश्मीना शॉल धारण करेंगे, और तमाम जो तैयारियां हैं जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी उनके कपड़े भी उसी तरीके से बदले जाएंगे। तो फिलहाल पूरी तैयारी जो डिजाइनर मनीष त्रिपाठी हैं वो कर रहे हैं श्री राम प्रभु के खास गर्म कपड़े तैयार करने के लिए। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।